ये आरिफ का भाई माइक बंद करा दीजिए। ये देखिए समझिए, ए नॉट की वैल्यू जीरो आती है, कैसे आती है इसको देखिए, पूरा हमने सॉल्व किया है। और ये समझ में आ जाए तो एन एन दिखाएं और बी एन। यस सर, आगे बताइए। ए नॉट समझ में आ गया, अब ए एन देखिए। सर एक मिनट। अच्छा अच्छा अरे बता दे, एक मिनट अभी लगाते हैं। यस सर, हो गया। अब इसके बाद ए एन का देखिए, ए एन की वैल्यू भी जीरो आती है। ए एन है, ए एन है आपका वन अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से पाई, जीरो से टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे पाई माइनस एक्स बाई टू। अब टू हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग पाई माइनस एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और कॉस एन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो पाई माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और कॉस एन एक्स जो होता है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फिर हम ओपन कर देंगे कि पाई माइनस एक्स एज इट इज कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन, फिर पाई माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन और कॉस एन एक्स का फिर इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स अपॉन एन। इसके बाद पाई माइनस एक्स अपॉन साइन एन एक्स अपॉन एन एज इट इज, अब माइनस बाहर के प्लस हो जाएगा, फिर साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है फिर दोबारा करेंगे तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो नीचे एन स्क्वायर हो जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में लास्ट में लिमिट लगाते हैं, यानी पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर इंटीग्रल जीरो से टू पाई। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां टू पाई रखेंगे, तो पहले टर्म में एक्स के प्लेस पे टू पाई रखेंगे तो आएगा टू एन पाई, और टू एन पाई का मतलब एन है साइन में, एन क्या होता है इंटीजर होता है, तो टू एन भी इंटीजर होगा इसलिए वैल्यू जीरो हो जाएगी। और कॉस में, कॉस के केस में एक्स के प्लेस पे टू पाई रखेंगे तो आएगा टू एन पाई, और यहाँ पे एन इवन ऑड का होता है तो टू मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो आएगा माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस लगाएंगे फार्मूले वाला माइनस, फिर जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, फिर माइनस कॉस जीरो वन होता है, और देखिए ए एन भी जीरो आ गया। सर ये लास्ट सेकंड लाइन पे यहाँ पे समझा दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। देखिए एक्स के प्लेस पे टू पाई रखेंगे तो आएगा पाई माइनस टू पाई यानी माइनस पाई, तो ये हो जाएगा साइन टू एन पाई, तो साइन टू एन पाई, एन यहाँ पे क्या होता है साइन में इंटीजर होता है, तो टू एन टू मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर में तब भी इंटीजर बना रहेगा, तो इंटीजर के केस में साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, एन बिलोंगिंग टू इंटीजर,
एक्स को छोड़ के जितना है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के केस में साइन के केस में क्या होता है, जीरो होता है। अभी पहले पेज पे हमने फार्मूले लिखवाए हैं इसलिए जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद कॉस में रखेंगे एक्स के प्लेस पे टू पाई, तो हो जाएगा टू एन पाई। लेकिन कॉस में एन जो होता है वो इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो एन के एन में टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन का कोई भी नंबर हो तो टू मल्टीप्लाई करने से इवन ही बना रहेगा, इसलिए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस टू एन पाई की वैल्यू वन हो जाएगी, तो हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर। तो माइनस तो पहले लगा ही है, तो इसका हो जाएगा जीरो माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। समझ में आया? yes. जब टू पाई yes. रखेंगे, अब माइनस लगाएंगे फार्मूले वाला माइनस, फिर जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रखेंगे। तो साइन में एक्स दिख रहा है तो एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है तो जीरो हो गया है। फिर माइनस लगा हुआ वही माइनस लगा देंगे, फिर एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन होता है, माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। फिर ओपन कर देंगे जीरो आ जाएगा। यस सर, आ गया सर। अब नेक्स्ट देखिए बीएन वाला। बीएन में देखिए bn है वन अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से पाई। अब इसको आप अपने आप समझिए, कहीं कोई डाउट हो तो उस लाइन का हम बता दें। वही cos 2n पाई आपका क्या होता है, 1 होता है, और sin 2n पाई क्या होगा, 0 होगा, और cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। यानी sin के केस में 0 रहेगा और cos के केस में 1 रहेगा। देखिए समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए।
यस सर आगे बताइए। यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल पाई माइनस एक्स अपॉन टू इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, और ये प्रूफ है। तो हमने ए नॉट ए एन 0 आता है और बी एन आता है 1 अपॉन एन। तो इस तरीके से अब हम ये फूरियर सीरीज में हम पुट कर देते हैं, और तो जब हम फूरियर सीरीज में पुट करते हैं तो ए नॉट ए एन लिखेंगे, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज ए नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एंड रनिंग फ्रॉम वन टू ए एन और बी एन। तो ए नॉट ए एन जीरो हो जाएगा और एफ एक्स क्या है पाई माइनस एक्स बाई टू। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन समेशन एंड रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन। अब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब रखते जाएंगे। अब यहाँ पे हमको हमारे पास जो इंटरवल है, देखिए साइन का टर्म है और हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई है, तो हम 0 से 2 पाई में ही x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट मींस x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू पाई पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 पाई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पाई और 2 पाई अगर हम पुट करेंगे तो साइन के केस में 0 होगा, क्यों, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है, n इंटीजर अगर बिलोंग कर रहा है तो साइन n पाई 0, तो इसलिए 0 पाई और 2 पाई तो हम नहीं पुट कर पाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, पाई बाई 2, इसलिए x के प्लेस पे पाई बाई 2 पुट करेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस वन होता है, साइन फाइव पाई बाई टू तरीके से x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो देख रहे हैं साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0 सब 0 हो जाएंगे और जो ऑड वाले टर्म बचेंगे हम प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड और थर्ड, आप घर पे होमवर्क करिएगा, ठीक है। इसको देखिए समझिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अभी 11 से 12 भी क्लास है।
तो ये प्रूफ समझ में आया है? यस सर। इसी तरीके से दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, ये आप घर पे करिएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, जो घर पे करेंगे इसमें ए नॉट ए एन बी एन तीन तो वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें ए वन बी वन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ए एन निकालेंगे यहाँ पे बी एन जीरो आता है, तो यहाँ पे जब आप ए एन बी एन तो जीरो आता है, लेकिन आपका ए एन जो आता है वो एन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, यानी एन के प्लेस पे अगर वन रखेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए नॉट ए एन बी एन तो आप निकालेंगे और ए वन और बी वन भी निकालिएगा, यानी पांच वैल्यू निकालिएगा और वो समेशन को ब्रेक कर दीजिएगा आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आपको हमने सब लिखा है ए नॉट की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई सिक्स आएगी, ए एन वन अपॉन एन स्क्वायर आएगा, बी एन जीरो आ जाएगा। पहले प्रूफ के लिए एक्स जीरो पुट करेंगे, दूसरे प्रूफ के लिए एक्स की वैल्यू पाई करेंगे, और तीसरे प्रूफ के लिए पहला और दूसरे को ऐड कर देंगे। तो ये आज यहां तक है। समझ में आया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल इसके आगे पढ़ाएंगे। आप लोग ये दो नुमाइकल जरूर कीजिएगा आज घर पे, ठीक है? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हाँ बेटा। यस सर। ठीक ठीक।